हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्ष गोयल में। और आज मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट टू सी। तो ये है BMW Z4 रिमोट कंट्रोल कार। आज मैं आपको इसके बारे में के सारे फीचर्स, इसमें क्या क्या है, किस तरह चलती है। गाइस, जब शुरू में मैंने इसको निकाला था तब तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसके सारे फीचर्स जाने और मैं आज आपको इसकी सारे फीचर्स दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और बताता हूँ किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऑन करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, इस साइड है इसका ये बटन, आप देख सकते हैं इस साइड इसका ये लाल कलर का बटन है। हम इसको पुश करेंगे, ये हो गई अपनी गाड़ी ऑन। जैसे कि गाइस अभी आपने देखा ये कितनी तेज इसने जैसे आवाज करी, इसका साउंड कितनी तेज आता है। मैं आपको दिखाता हूं इसमें पूरा सिस्टम। अब आप जैसे देखिए, इसमें ये आपको लाइट मिलती है, इसमें आप देख सकते हैं लाइट। मैं इसको थोड़ा सा अंधेरे में लेके जाता हूं, ये देखिए। तो ये हमारी BMW Z4, मैं आपको इसकी लाइट दिखाता हूं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आगे और पीछे दोनों की तरफ लाइट है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसको पीछे से चेकआउट कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा। और गाइस आप आगे भी देख सकते हैं, एक बार इसको चेकआउट कर लीजिए और आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो गाइस जैसे कि आप सबने इसमें लाइटिंग तो देख ही ली होगी, आइए अब मैं आपको इसके एक एक जैसे पार्ट्स दिखाता हूँ। आप इसके टायर देख सकते हैं, इसमें एक अलॉय व्हील जैसा लुक आ रहा है। इसमें ये आपके पास अपना म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, उसके बाद ये आपकी स्टेयरिंग आ जाती है। गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टेयरिंग पे यहाँ पे माउंटेड कंट्रोल्स दिए हैं जिससे आप गाना चेंज भी कर सकते हैं। ये हॉर्न का है और ये माउंटेड कंट्रोल बटन है जिससे आप म्यूजिक प्ले सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं इधर गाइस, इसका मतलब जैसे ये फॉरवर्ड है, आप इसको करेंगे अब आप इसको ऐसे मैन्युअली चलाएंगे, देख सकते हैं आप गाड़ी जैसे ऑन है, आप इसको चलाएंगे हाथ से तो ये आपके पैडल से चल सकती है। गाइस ये आपका पैडल है, आप इसे चेकआउट कर लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप इसे चेकआउट कर लीजिए, देखिए हम इसे किस तरह हाथों से भी कंट्रोल कर सकते, इसको हम पैरों से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। गाइस जैसे कि आप सबने देखा, उसको प्रेस करने से गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बैक का ऑप्शन। अब हम इसको बैक की तरफ कर देंगे, पीछे की तरफ, तब हम देखेंगे जब हम बटन दबाएंगे इसमें हमारी गाड़ी आएगी पीछे की तरफ। तो जैसा कि आप सबने देखा, जैसा कि आपने देखा हम इसको कैसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप इसको पीछे से चेकआउट कर लीजिए एक बार, ये देखिए। गाइस में हम 5 साल के बच्चे को लास्ट मैक्सिमम बिठा सकते हैं, बाकी मिनिमम आप इसमें 1.5 या 2 साल के बच्चे को, मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स के बच्चे को। आपने जैसे पूरी गाड़ी चेकआउट कर ली, आगे से देखिए पूरा BMW का लुक देता है। इसी बटन के पास एक और बटन है, ये देख आप देख सकते हैं, इसमें आप क्लियरली चेकआउट कर लीजिए, ये अब फोकस नहीं कर रहा, यस ये देखिए ये स्विंग, अभी ये मैंने मोशन में कर रखी है, मतलब जब हम इसे रिमोट से कंट्रोल करेंगे सिर्फ तब चलेगी, बाकी हम इसे पैडल मैनुअल से चलाएंगे तब चलेगी। अब जैसे हमने ये स्विंग पे कर दिया, अब इसे देख लीजिए, स्विंग पे हम जैसे इसे करेंगे, ये देखिए ये एक झूले की तरह काम करेगी ये बच्चे की के लिए, ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे ये इस तरह हिलने लग जाएगी, यस यस। तो हम इसे अब जैसे मोशन में भी ये हमारा स्विंग में हो रखा था, हम इसे मोशन कर देंगे नॉर्मली, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये अब ये स्टॉप हो जाएगी। और बाकी गाइस इसमें अब और कुछ रह नहीं रहा है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये दे रखा है, हम जैसे इसे खोल दे दें, ये हम जैसे खोला तो ये जैसे आपके गेट ओपन हो जाते हैं ये दोनों साइड के। गाइस इधर दे रखा है, देखिए ये जैसे गेट ओपन हो जाते हैं। बाकी ये आपने देख लिया, बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट यहाँ पे दे रखी है। बाकी मैंने आपको पूरा दिखाई दिया, आप इसे एक बार चेकआउट कर लीजिए। गाइस गाड़ी इतनी शानदार लुक देती है, आप इसे आराम से परचेज कर सकते हैं। गाइस मेरे को इसकी कॉस्ट पड़ी है 12,000 रुपीज, बाकी मैं एक बार लास्ट में दोबारा बता दूंगा इसकी कॉस्ट, 12,000 रुपीज मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है।
बाकी आप देख सकते हैं इधर साइड में मिरर दे रखे हैं ये, बाकी मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूं। यस यस, जैसे ये मैंने ये क्लोज कर दिया। अब आप जैसे देख सकते हैं गाइस इधर एक स्मॉल से मिरर दे रखे हैं, आप इसको हाथों से कंट्रोल ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें वो नहीं है जो आप मतलब बटन से कर सके, क्योंकि ऐसे दे रखा है शो के लिए। देखिए आप इसे फोल्ड कर सकते हैं आराम से, बाकी ऑन कर सकते हैं इसको आराम से, कोई इसमें आपको एक बड़ा इशू नहीं है। बाकी आपकी नॉर्मल, बाकी मैंने आपको पूरी गाड़ी दिखाई दी, मेरे हिसाब से तो इसमें अब और कुछ नहीं रहता है, बाकी आप देख खुद ही देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके रिमोट की तरफ। गाइस आपने पूरी गाड़ी चेकआउट कर ली, हम इसकी मेन सिस्टम की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। आप जैसे गाइस इसको देख सकते हैं, गाइस आप इसमें जैसे देख सकते हैं इसमें आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपका छोटा सा मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, ये आपका बच्चे के लिए एबीसीडी चलाने के लिए दे रखा है, ये गाने आगे करने के लिए है, ये वॉल्यूम कम के लिए, वॉल्यूम ज्यादा के लिए। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरह ये ऊपर आ रहा है, इसमें वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आप जैसे गाइस माइक कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद के गाने लगा सकते हैं। तो मैं इसमें जैसे गाइस मेरे पास है ये मेमोरी कार्ड, मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगाऊंगा, आप देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है। अब आप जैसे इसे चेकआउट कर लीजिए एक बार, ये देखिए गाइस आप जैसे देख सकते हैं, हाँ गाइस आप देख सकते हैं इसमें जैसे आपके गाने लगे हुए हैं। अब जैसे गाइस आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं, अभी चेकआउट कर सकते हैं, ये है वॉल्यूम प्लस का बटन, देखिए आप इसको आप प्रेस करके रखिए, बाकी आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये आपकी वॉल्यूम कम का ऑप्शन है, ये आपकी वॉल्यूम कम का ऑप्शन है। यस, जैसे आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, हम इससे गाना आगे जैसे पीछे करा इससे हम इससे आगे कर सकते हैं, ये वॉल्यूम का हमें बटन दे रखा है, बाकी और बाकी कुछ नहीं है इसमें। एबीसीडी की तरफ जैसे देखिए, इसमें आप एबीसीडी चलाना चाहते हैं तो आप इसे पहले मेमोरी कार्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा, इसमें से आपने मेमोरी कार्ड रिमूव करा, जैसे आप देखिए देख सकते हैं आप इसमें नॉर्मल जो गाड़ी के अंदर फिटेड सॉन्ग आते हैं इसमें वो प्ले हो जाते हैं। अब इसमें आवाज तेज करता हूं, जैसे देखिए एबीसीडी चल जाएगी, आप इसे गाइस इसमें चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को एबीसीडी भी, जैसे आप इसमें जो फिटेड आते हैं वो बाकी आप अपनी मर्जी का है, मैंने आपको दिखाई दिया, आप इसमें मेमोरी कार्ड कंट्रोल कर सकते हैं। यस देखिए इसमें आप नॉर्मल गाने पे ले जाते हैं, आप आगे भी इसको करेंगे, इसमें आप इसे नॉर्मली पोएम वोएम भी सुन सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। यस गाइस मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया, मैं आपको इसके रिमोट की तरफ लेके चलता हूँ। यस देख सकते हैं ये आपको इसमें इसका ये नॉर्मल जो इसमें रिमोट होता है इसमें आपको रिमोट दे रखा है। यस अब मैं आपको इसमें एक एक सिस्टम आपके करके समझाऊंगा। अब जैसे हम इसको पहले ऑन करेंगे, यस अपने देख सकते हैं गाइस अगर आप इसको इस साइड से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, आपको ऑफ करना है तो आपको इसको दबा के रखना पड़ेगा। यस तो अब गाइस जैसे हम इसको अब अपने रिमोट से मैं आपको गाड़ी कंट्रोल करके दिखाता हूँ। यस गाइस तो लेट्स स्टार्ट। यस इसको जैसे गाइस हमने इसमें जैसे अब रिमोट ऑन कर दिया, अब गाइस मैं आपको इसमें एक एक बटन का मतलब समझाता हूँ। इसमें जैसे ये डाउन शीट दे रखा है, पहले हम इसे डाउन शीट दबाएंगे, डाउन शीट दबाते हैं तो आप देख सकते हैं ये है गियर। गाइस में आप पहले से पूरी लो कर दीजिए, आप इसे पूरी लो कर दीजिए, गाइस में ये फर्स्ट गियर पे हो गई है। अब हम इसको जैसे गियर आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, ये है गाइस अपशिट, इसका मतलब गियर ऑन। बाकी गाइस आप जैसे जैसे इसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपको इसका मतलब समझ में आता रहेगा। गाइस यहाँ पे एक आ जाता है इसका बटन, फॉरवर्ड का बटन, फॉरवर्ड का बटन, इससे आप देख सकते हैं गाड़ी जा रही है आपकी आगे की तरफ। बैकवर्ड का मतलब गाड़ी जाएगी आपकी गाइस में पीछे की तरफ। आप इसमें राइट मतलब ये आपका स्टीयरिंग कंट्रोल होगी गाइस। यस देख सकते हैं आप, यस आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यस देख सकते हैं आप, जैसे आप इसे देख सकते हैं ये किस तरह अपना काम कर रही है, आप इसे देख सकते हैं गाइस पूरी तरीके से, आप इस गाड़ी को पूरा चेकआउट कर सकते हैं। यस यस देखिए आप, यस मैंने आपको इसमें पूरा बटन समझा दिया। आप इसको इस वाले को आप इसमें आगे गाड़ी लाने के लिए अपनी
आप गाइस इस वाले को आगे गाड़ी लाने के लिए, इस वाले को पीछे गाड़ी ले जाने के लिए, इस वाले को आप इसमें स्टीयरिंग देख सकते हैं किस तरह स्टीयरिंग अपनी मूव कर रही है। हाँ, इससे आप स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी। गाइस हम चलते हैं इसके आगे सिस्टम की तरफ। अब हम जैसे इसमें आपको हॉर्न दिखाते हैं बजा के। यस गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें हॉर्न। यस गाइस, अब गाइस जैसे हम इसे चला के हम इसमें आपको एक ब्रेक लगा के दिखाएंगे ये ब्रेक सिस्टम किस तरह काम करता है। यस गाइस चेक करिए ये। यस गाइस देख सकते हैं पीछे के पूरे टायर जाम हो जाते हैं। यस गाइस अब इसे चेकआउट कर लीजिए। यस गाइस देख सकते हैं। यस गाइस चेक करिए, इस तरह आप इसमें ब्रेक कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसमें पूरा सिस्टम समझा दिया, बाकी आप जिस तरह इसको खोलेंगे उस तरह इसमें समझ में आ जाएगा। गाइस इसमें म्यूजिक एंड लैंप स्विच दे रखा है, इसमें आप अपने म्यूजिक और लैंप स्विच कंट्रोल कर सकते हैं। यस गाइस आप देख सकते हैं इसे मैंने, यस आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसमें ये म्यूजिक का बटन दबाया तो ये बंद हो गई। अब जैसे मैंने इसे दोबारा दबाई ये चालू हो गई। दोबारा अब इसमें हम इसे दबाते हैं तो ये बंद हो जाती है, दोबारा दबाते हैं इसे चालू हो जाएगी। यस गाइस अब इसमें आपने ये भी चेकआउट कर लिया। गाइस हम मैं आपको इसमें समझाता हूँ, एक ही मेन बटन ये है रॉक एंड स्पोर्ट स्विच। यस गाइस ये बटन सेम इसी की तरह ही काम करता है जिस तरह मैंने आपको ये स्विंग एंड मोशन वाला बटन समझाया था। आप देख सकते हैं इसमें वैसे मैं रॉकर्स दबा, अभी ये गाड़ी मोशन में है, मतलब आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने पैरों से भी, जो आपके पास वहां पे पेडल स्विच दे रखा है, और बाकी इसको अपने रिमोट से। अब जैसे हमने दबा दिया रॉक एंड स्पोर्ट, गाइस हमने इसे आप इसे चेक कर सकते हैं, ये आपने रॉकर स्विच दबाया, ये देख सकते हैं आप ये सेम वही काम कर रही है जो हमारा उस वक्त वो बटन कर रहा था। यस गाइस अब हम चलते हैं इसके दोबारा, हम इसे दबाएंगे दोबारा। आप देख सकते हैं इसमें रॉकर स्विच, अब ये मैंने बंद कर दिया। अब आप देखिए इसमें नॉर्मली आपकी गाड़ी, नॉर्मली इसमें आपकी गाड़ी चलेगी। यस गाइस आप देख सकते हैं आपने एक तरह की सब कुछ चेकआउट कर लिया। मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसका म्यूजिक का सिस्टम समझा देता हूँ। यस इसमें जैसे हम आपको म्यूजिक ऑन करके दिखाते हैं। यस आप इसमें देखिए म्यूजिक प्ले। यस देख सकते हैं गाइस आप, यस आपने म्यूजिक ऑन हो गया इसमें। यस इसमें हम म्यूजिक नेट करते हैं। यस देख सकते हैं, यस गाइस चेक कर सकते हैं आप ये। यस गाइस यस देखिए ये आप इसमें ये आप चेंज कर लेते हैं। तो गाइस एक तरीके से मैंने आपको इसमें सारे सिस्टम बता दिए, अप शीट मतलब गियर आगे, डाउन शीट मतलब गियर पीछे। भाई गाइस ये मैच कोड ये है, आप जैसे रिमोट ऑन करते हैं और गाड़ी ऑन करते हैं तो आप इसको 3 सेकंड तक दबा के रखिएगा, वरना आपको कोई बटन इसमें काम नहीं करेगा। आप इसमें से ये इसके बाद आप इसे प्रेस कर दें। यस गाइस जैसे आप सब आपने सारे इसमें फंक्शन मैंने आपको चेकआउट करा दिए, बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको 5 मिनट के अंदर जरूर रिप्लाई दे सकता हूँ। मैंने आपको इसमें सारे बटन चेकआउट करा दिए, अपशीट डाउनशीट मतलब गियर कम, अपशीट मतलब गियर ज्यादा, म्यूजिक सिस्टम मतलब म्यूजिक कंट्रोल, रोक स्पोर्ट्स मतलब गाड़ी हिलेगी वाली, म्यूजिक लैंप स्विच वो आपका ब्रेक अप हो गया, राइट लेफ्ट ये वाले गाइस तो ये वाले बटन है इससे आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल होगी, जो ये वाले बटन है इससे आपके गाड़ी कंट्रोल होगी। यस गाइस आपने इसमें सब कुछ ही एक तरीके से चेकआउट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा म्यूजिक ये लाइट ऑन कर देते हैं अपनी। यस गाइस आप देख सकते हैं इसमें लाइट ऑन हो जाती है। यस गाइस देख सकते हैं गाइस इसमें आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। यस गाइस अब जैसे इसमें मेरे अभी इसमें म्यूजिक वाले बटन पे हाथ रख रखा है, दबाया मैंने ये लाइट बंद। यस गाइस आप देख सकते हैं कितनी इसमें रोशनी कम हो जाती है। यस गाइस आप इसे चेकआउट कर लीजिए। यस गाइस तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ तरीके से बता दिया किस तरह आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी में क्या है।